हाँ जी, मेरे वालों सारे वीरां ते भैणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। चलिए आप दूजी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने वर्णमाला की। हुण आप गल करांगे स्वर धुनिया की। टोटल स्वर धुनिया किन्निया हैगियां? टोटल हैगियां जी 10। ते 10 किवें बणियां? ओ ये जिहड़ियां लगाम हुंदियां ओ अपनियां 10 हुंदियां, उन्हां लगावां करके ही अपनियां जिहड़ियां स्वर धुनिया हैगियां ओ 10 बन चुकियां। स्वर किन्ने सीगे? स्वर सीगे 3। केड़े केड़े स्वर सीगे? ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी। ये 3 स्वर सीगे। जदों आपां इन्हां नाल लगावां दा यूज करदे हां तां आपणे कोले टोटल 10 स्वर धुनियां बन जांदियां। किवें बणदियां? देखो आपणा जिहड़ा ऊड़ा हैगा इहदे नाल टोटल 3 लगावां लगदियां। किहड़ियां लगदियां? इक तां इहदे नाल लगदा हैगा हौड़ा, इहदे नाल लगदा एक अपना किहड़ा लगदा हैगा, इहनूं कहिंदे औंकड़, इहनूं कहिंदे हैगे दुलैंकड़। तां 3 इहदे नाल लग के इहदे टोटल किन्ने बन जांदे? 3 बन जांदे। ऐड़ा जिहड़ा हैगा अपना, इहदियां स्वर धुनियां किन्नियां बन जांदियां? 4। 4 किवें बन जांदियां? इक तां ऐड़े नाल लग जांदा मुक्ता, मुक्ता अपना की है लगा हैगी। उदों बाद इहदे नाल लगदा हैगा कन्ना, कन्ना लग जांदा। इत्थे आ के लग्या गया दुलान लग्या गया, इत्थे की लग गया कनौड़ा लग गया। तो यह 4 लगावां लग के इहदे टोटल 4 की बन जांदियां? स्वर धुनियां। ईड़ी का देखिए, अगर आप ईड़ी नाल लग जांदी है सिहारी, ईड़ी नाल बिहारी, ईड़ी नाल की लग जांदा? लावां लग जांदा। तो टोटल 3 लग के इहदियां 3 स्वर धुनियां बन जांदियां। तो आप अगर देखिए 3 ते 4 7, 7 3 10, टोटल 10 अपने की बन जांदियां फिर स्वर धुनियां। तो इहदा आपां नूं कोड याद रखना, कोड की है 343। 343 कोड अपना दो थावां ते काम आऊगा। एक तो अपना कोड हैगा ही है, ऊड़े दे 3 हो गए, ऐड़े नाल 4 हो गए, और ईड़ी नाल 3 हो गए, तो 343 कोड। एक अपना कोड काम आऊगा, इत्थे देखो जीव की स्थिति के आधार से आपां नूं वंडांगे। इत्थे देखो की लिखा मैं 3, इत्थे फिर 4, इत्थे फिर 3। तो 343 जिहड़ा कोड हैगा तुसीं याद रखना हैगा, इंपोर्टेंट। हुण आपां गल करदे हां लगां कड़ियां होंदियां टोटल 10। वैसे तो थोनू पता लग गई है कड़ियां लगावां है की। एक तां हुंदा मुक्ता, मुक्ता तो बाद कन्ना, फिर आउंदी है सिहारी, फिर बिहारी, लां, दुलां, औंकड़, दुलैंकड़, हौड़ा, कनौड़ा। ये टोटल 10 की होंदियां अपनियां लगावां होंदियां, जिहदे करके अपने स्वर धुनियां किन्नियां बन चुकियां? 10 बन चुकियां। कोड की है 343। ओड़े नाल टोटल 3, ऐड़े नाल टोटल 4, ईड़ी नाल टोटल 3। क्लीयर। हुण अगे नूं आपां वंडदे हां अगे स्वरां नूं दो भागां दे विच। एक हुंदा हैगा लघु स्वर, या जिहनूं कहिंदे हरसव, हसव स्वर भी कहिंदे आ, जिन्हां नूं बोलण लग्गिआं आपणा टाइम घट लगदा हैगा उहनूं कहिंदे आ लघु स्वर। उहदे विच किहड़े आ जांदे आ? इह जिहड़ा आपणा ऐड़ा हैगा इहनूं बोलण ते बहुत घट टाइम लगदा, एक तां ऐड़ा आ जूगा, एक ईड़ी के उत्ते जिहड़ी सिहारी लगी है ईड़ी उहदे वी लघु स्वर, एक जिहड़ा आपणा ऊड़े दे नाल की लग्गिआ हैगा औंकड़ लग्गिआ, इह वी आपणा की हैगा एक लघु स्वर। तां आपणे टोटल लघु स्वर किन्ने हो गए जी? टोटल 3 हो गए। बाकी किन्ने बच गए टोटल स्वर धुनियां दे विचों? 3 तां चले गए, बाकी किन्ने बच गए? 7 बच गए। 7 दे 7 आपणे की है दीर्घ स्वर हैगे। हुण देखो ऐड़े दा वड्डा की होगा? ऐड दे नाल जे आपां कन्ना ला दी तां वड्डा बन गया तां दीर्घ स्वर। ईड़ी दे नाल इत्थे सिहारी लग्गिआ सी, इत्थे आपां की लाता? बिहारी लाता, वड्डा बन चुकिआ हैगा। ऊड़े दे नाल आपां की लाया सी? इत्थे औंकड़ लाया सी, इत्थे आपां की लाता? दुलैंकड़ लाता। तां आ तां आपां नूं सिद्धा पता लग ही रिहा वी इहदा आपां वड्डा किवें बणाया हैगा, इहदा आपां किवें बणाया हैगा दीर्घ स्वर, उह तां आपां नूं पता लग ही गिआ। जिहड़े बच गए उह वी किहदे विच आ जाणगे? दीर्घ स्वरां दे विच आ जाणगे आपणे। ठीक है जी। नैक्सट अपना हैगा जीव की स्थिति के आधार के उत्ते आपां स्वरां नूं 3 भागां दे विच फिर वंडिया गया। एक हुंदे अगलेरे, एक हुंदे विचकारले, एक हुंदे पिछलेरे। जीव की स्थिति के आधार ते इह तां हैगी जीव स्थिति। इधर अपना आऊगा जीव की उंचाई के आधार ते वी किन्नी जीव अपनी उच्ची नीवी हुंदी हैगी उहदी अकॉर्डिंग उहदे 4 हैगे भाग। तां आपां पहला गल करदे हां जीव की स्थिति के आधार ते। 3 कोड तुहानूं पता लग गई की कोड सीगा? 343 कोड सीगा। तां अगलेरे किन्ने होणगे? 3 होणगे।
विचकारले चार होणगे ते पिछलेरे भी तीन होणगे 343 कोड़ियां दो हो गया। हुण इहनां नूं याद करन दा मैं तरीका तुहानूं दसदा किवें इह याद रहणगे। एवें रट्टा मारे नाल तां याद रहिंदे नहीं, तां सिद्धी जी सिंपल सी ट्रिक की हैगी है। देखो विचकारले जिहड़े हैगे आ इहदे विच जिहड़े तीन स्वर हैगे आ उह लघु स्वर हैगे। आपां नूं पता लघु स्वर आपणे किहड़े सीगे, ऐड़ा एड़ी नाल सिहारी, ओड़े नाल आपणा की सीगा औंकड़ सीगा। देखो ऐड़ा थोनू आ मिल गया जी, ईड़ी दे नाल सिहारी, ईड़ी दे नाल सिहारी आ रही, उदों बाद औड़े दे नाल दुलैं, औड़े दे नाल औंकड़, औंकड़ भी आपां नूं आ मिल गया। तो मतलब जिहड़े लघु स्वर तीन हैगे आ उह किहदे विच आउंदे आ, विचकारले दे विच आउंदे आ तीन। आ गया, हुण आपां नूं ध्यान रखो तुसीं इन्हां दे विच एक चीज की होगी रिपीट होगी। रिपीट का मतलब ऐड़ा जिहड़ा हैगा इह आपदे वर्गा एक होर लैके आऊगा। आपके वर्गा कहड़ा है ऐड़े तो बाद क्या होगा, ऐड़े दे नाल आपां इत्थे तां मुक्ता है, इत्थे आपां किला तां करना लाता। तो मतलब एक लाइन दे विच इको डबल हो जाएगी, इत्थे दो डबल हो गए, बिल्कुल डबल हो गई। हुण जिहड़ा ईड़ी हैगा, ईड़ी दे जिहड़े नाल वाले हैगे, ईड़ी दे नाल वाले कड़े कड़े हैगे, देखो ई ते इक बिहारी, ते ई ते आपणे होर की लगदा है, ला लगदा है। तो यह दोनों कित्थे चले जाणगे, उपर वाली लाइन दे विच चले जाणगे। ईड़ी वाले जिहड़े हैगे आ दो बच गए जिहड़े, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਰੇ ਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਐ ਸੀਗਾ, ਐ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਈ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀ। ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਐੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲਾਂ ਦੀ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਲਾਂ। ਲਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੁਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੁਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10 ਸਵਰ ਧਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੜਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਲਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ, ਲਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਦ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਊੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਤੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭੇਜਤੇ। ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਊੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਊੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋੜਾ, ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੇ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੌੜਾ। ਹੋੜਾ ਕਨੌੜਾ, ਤਾਂ ਕਨੌੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੂਗਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੋੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ, ਕਨੌੜੇ ਨੂੰ। ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਕੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਐੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਹੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕਨੌੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਗਲੇਰੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਪਿਛਲੇਰੇ, ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਲਘੂ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਐੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦੂਗਾ, ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐੜਾ ਲਿਖਤਾ। ਮਤਲਬ ਐੜਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਊ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਤੇ ਦੋਨੇ ਦੋਨੇ, ਲਾਂ ਦੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਊੜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਨੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਤੇ, ਹੌੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ।
नेक्स्ट आप गल करते हैं बुलों की स्थिति की आधार से। बुलों की स्थिति के आधार से आप इन्हों दो भागों के बढ़ते हैं। एक तो आते हैं गुलाईदार, मतलब अपने जो बुल है ना वह जिमें वर्ग हों जमा उमें गोल गोल बन जाएंगे, जिमें आप बोल के देखेंगे ना उदो आप पता लग जूगा। जिमें कि ऊ देखो इत होंड देखो अपने जो बुल है किमें हो जाते गोल हो जाते। ऊ वा भी देखे तो अपने गोल हो गई, ओ बोलिया हौड़ा बोलिया तो भी उमें होगी, फिर ओ बोलिया तो भी गोल होगी। लेकिन जो गुलाई रही इन्हों जो बोलेंगे तो अपना गोल नहीं होगा। देखो ईडी ए ई ए आ ए गोल हो गोल तो नहीं पूरे तो गुलाई रही, तो यह आप बोल के जो देखेंगे ना तो आपको पता लग जूगा कि गोल हो रहा ये गोल नहीं हो रहा, आपने सिंपलिटिक लग जाना। नैक्सट अपने है जीव की उचाई के आधार पर किन्ने उच्चे हो रहे किन्ने नीवे हो रहे जीव अपनी, और अकॉर्डिंग चार भाग च वंडे इन आप। एक तो है उच्चे स्वर, फिर है अर्ध उच्चे, फिर अर्ध नीवे, तो सब तो लास्ट वाले है नीवे स्वर। उच्चे स्वर कि ई दे उत्ते जो बिहारी लग जाए ई उच्चा स्वर हो गया, फिर ऊ उच्चा स्वर हो गया। हुण दोने उच्चे तुहानू जे पता लग गई कि हैगी है एक छोटा कर दो। देखो बिहारी लगी है बिहारी का भरा कड़ा होता सिहारी, तो सिहारी छोटी की आजगी अर्ध उच्चे आजगी, ठीक है। इतने दुलैंकड़ बड़ा लगे भरा कड़ा औंकड़, औंकड़ अपना की आजगा छोटा अर्ध उच्चे की उच्चा जू पता लग गया। आ दोनों तो थोड़ा याद हो गई लाइना। हूँ इदू बाद आप सीधा कि याद करना नीवे स्वर में। नीवे स्वर के एड़े के जे तिने है टोटल तिने नीवे के आ जाते कि छड़ के सिर्फ एड़े को छड़ के जिदे उत्ते मुक्ता लग्या इन छड़ के तिने दे तिने जिहड़े ऐड़े आ रहे किहदे विच आउंदे आ नीवे स्वरां दे विच आउंदे, ठीक है। नीवे स्वरां दे विच तिने ऐड़े दे आले तिने आ जांदे, बाकी जिहड़ा बच गया अड़ंगा अपना किहदे विच आ जाऊगा अर्ध नीवियां दे विच आ जाऊगा। हुण तुहानूं पता ही कड़कड़े बच गए टोटल तुहानूं दस जदों याद आ आ तुहानूं पता लग गई दो लाइना एक आ तुहानूं पता लग गई लाइन ते जिहड़े बच गए उह किहदे विच आ जाणगे अर्ध नीवियां दे विच आ जाणगे। क्लीयर हो गया इत्थों तक आपां की चीज़ देख ली। स्वर तुनिया दस हो गई, लगावं तुम दस मैं दस याद कराई दिखती है कि लघु स्वर कि हरसव भी कहते हैं दीर्घ स्वर कि जीव की स्थिति के आधार से तीन भाग च वंडिया। आ तो तुम्हें पक्का हो ही क्या होना थोड़े माइंड च बुलों की स्थिति के आधार से दो भाग च वंडिया, जीव की उंचाई के आधार के उत्ते चार भागों के वंडिया। हूँ आप नैक्सट गल कि करा लगाखर की। नैक्सट अपने है जी इतनी लगाखर, तो लगाखर टोटल किन्ने होंगे तीन होंगे, एक होंगे बिंदी एक होंगे टिप्पी एक होंगे अद्धक। हुण अपना जिहड़ी बिंदी हैगी है बिंदी टोटल छी मात्रावां लगती है, जिहड़ी अपनी टिप्पी आ इह लगती है चार नाल, ते जिहड़ा अपना अद्धक हैगा अद्धक लगता तीन नाल। इहनां नूं याद करन दा तरीका बिल्कुल ही सिंपल आ। देखो थोनों लघु स्वर मैं दसे सी कड़े सीगे, तुसीं कहोगे सर लघु स्वर सीगे साडे ऐड़ा ईड़ी ते ओड़े दे नाल अपने औंकड़ लग्या सी इह साडे की सीगे लघु स्वर सी। हुण जिहड़े अपने लघु स्वर सीगे इन्हां तिन्नां नाल की लगदा हैगा अद्धक लगदा। देखो ऐड़ा अपना आ गया ईड़ी अपना आ गया ओड़े दे नाल औंकड़ आ गया, इह तिन्नां नाल अपना की लगदा हैगा अद्धक लगदा हैगा जाके। हुण जिहड़े आ सेम तिन्न हैगे आ तिन्ने तां आउणगे ही आउणगे, देखो टिप्पी वाले दे विच हुण औंकड़ ने आपदा भरा सद लिया, औंकड़ दा भरा कड़ा हैगा दुलैंकड़, तां दुलैंकड़ नूं वी उहने सद लिया, तां टोटल इहदे किन्ने बन गए जी टिप्पी दे चार बन गए। हुण इहनां तों अलावा जिहड़े बचणगे उह किहदे विच आ जांदे अपने बिंदी दे विच। देखो ऐड़ा अगर इहदे विच आ गया तुहानूं पता तां इहदा जिहड़ा वड्डा भरा हैगा कौन हैगा कन्ना, उह अपना की आऊगा बिंदी वाले दे विच आऊगा कन्ने दे उत्ते बिंदी लगूगी। ईड़ी छोटी जी इहदे विच आ गई सिहारी तां बिहारी दे उत्ते की लगूगी बिंदी लगूगी। उदू बाद देखो आपणा इत्थे औंकड़ दुलैंकड़ इहदे तां वड्डे भरा दोने एक दे विच आई गए तां इहदा इहदे विच आउणगे नहीं। हुण जिहड़े बच गए अपने कड़े बच गए ला ते दुला, किते वी आए अज तक नहीं आए, तां ला वी इहदे विच आऊगा दुला वी इहदे विच आऊगा हौड़ा वी इहदे विच आऊगा ते कनौड़ा वी इहदे विच आऊगा। समझ नहीं आ गई भी जिहड़े बच गए अपने सारे दे सारे किहदे विच आ गए बिंदी दे विच आ गए, इत्थे छोटे आ रहे सीगे उहनां दा वड्डा करता आपां।
ਤਾਂ ਇਹ ਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅੱਧਕ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।